दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वन डी एग्ज़ाम स्टडी में। कई सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि अभी तक आपने हिंदी पेपर टू की आंसर की नहीं डाली, तो ये हमारे स्पेशल व्यूवर्स के लिए है। अगर आप इसको मिला चुके हैं तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 106 जेड सीरीज है, पेपर टू लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी। आंसर क्या आएगा यहाँ पे? संदर्भ में व्याकरण, चौथा विकल्प इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 107, यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश परिचित की प्रक्रिया पर किस पे बल दिया जाता है? तो साहित्यिक विधाओं पर बल दिया जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। तो यहाँ पे व्याकरण की उपयोगी और महत्वपूर्ण विधि होगी आगमन विधि। 109 देखिए, उद्देश्य नहीं है आपसे पूछ रहा था, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन होना चाहिए, परिभाषाओं को जानना ये प्रमुख उद्देश्य नहीं होगा। 109 के बाद आ जाएगा आपका प्रश्न संख्या 110, तो इसमें हमारे हिसाब से होना चाहिए उद्देश्य है, बाकी अब सीटेट हो सकता है इसको मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत रखे, ये उस पर छोड़ देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 मेरे हिसाब से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 111, इसका आंसर आपको मिलेगा, कहा जा रहा है ये फिल इन द ब्लैंक्स था, इसमें जब आप भर के देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि इसका आंसर होगा यहाँ पे साहित्य समृद्ध की भाषा और यहाँ पे है कला व अन्य विषयगत शिक्षण युक्त में उपयोग किया जाए, तो इसका दूसरा ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इसका आंसर होगा आक्रोश को शांत करना औचित्य नहीं है वाला प्रश्न जो था, इसका दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे अतिरिक्त क्या होना चाहिए, तो पाठ्यचर्चा सहगामी क्रियाओं का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। ठीक है, 113 का तीसरा विकल्प होगा पढ़ने में रुचि जागृत करने के लिए। 114 यहाँ, एक मिनट, 113 के बाद बिल्कुल सही, 114। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा यहाँ पे पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 115 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा समृद्ध भाषा परिवेश सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, प्राइमरी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 116 की अगर हम बात करें तो स्वीकार करें शिक्षक जो है बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 117 देख लीजिए, यहाँ पे विविध रूपों से अगर परिचित कराना है तो जहाँ तक मेरी जानकारी है इसमें तीसरा विकल्प होना चाहिए, लेकिन इसका चौथा विकल्प भी माना जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से तीसरा ही, बाकी सीटेट क्या मानता है इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 119 बताइए, यहाँ पे आधार नहीं है तो इसका आंसर आएगा सिंपल सा है व्याकरण, ये तीनों आधार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, तो यहाँ पे क्या होगा, स्त्री बंधन की चर्चा करना। अब देख लेते हैं पैराग्राफ के कुछ क्वेश्चंस, इसमें काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट हो चुका है। तो अगर हम अपना अनुमान बताएं तो अनुच्छेद में जो समकालीन शब्द का प्रयोग हुआ है उसका आंसर समसामयिक माना जाना चाहिए था, लेकिन जैसा कि हमारी बात हुई एक दो टीचर से जो काफ़ी सीनियर हैं, उनका कहना ये है कि यहाँ पे आधुनिक शब्द भी सही हो सकता है। अब ये भी हम क्वेश्चन सीटेट पे छोड़ देंगे। अब आप लोग ये भी कह सकते हैं कि जब आपको पता नहीं तो आंसर बता क्यों रहे हैं, तो देखिए एक अपना अपना अनुमान होता, हमने कभी ये नहीं कहा कि ये रियल और ऑथेंटिक आंसर की है। सीटेट में कई सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं विवादित, जिसमें वो जो सीटेट को मानना होता है वही माना जाता है, इसमें कुछ होता नहीं है। तो ये बात बिल्कुल हम ओपन कह रहे हैं कि ये अपना अनुमान है, इसका आंसर समसामयिक भी हो सकता है और आधुनिक भी हो सकता है। अगर आप गूगल पे इसको सर्च करेंगे कि समकालीन का अर्थ क्या है तो आपको समसामयिक मिलेगा, तो हो सकता है इसको ये भी मान लिया जाए। अब पैराग्राफ में भी कहीं आधुनिक शब्द का यूज नहीं हुआ है, तो इस बारे में थोड़ा सा आपको सोचना होगा। यहाँ पर अगर बात करें तो आंसर आएगा परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ा नहीं जा सकता, पैराग्राफ के अनुसार यहाँ पर आंसर आएगा आपको पाठ्य पढ़ाते हुए आने वाली बाधाएं जो है उनको दूर करने की अपेक्षा की गई है। लय और प्रवाह कविता में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 95 कहानी का विधा परिवर्तन, इसका तीसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96 देख लीजिए, यहाँ पे मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है तो इसका निश्चित ढांचा होता है, ये बात बिल्कुल गलत है, इसका आंसर आएगा दिन प्रतिदिन दूसरा विकल्प। 98 का देख लीजिए, इसका आंसर आएगा शिक्षार्थी और छात्र विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त हुए हैं, इसका आंसर आएगा सह और ता सहभागिता में। क्वेश्चन नंबर 100, ये भी एक दूसरा आपका पैराग्राफ था तो ये भी देख लेते हैं, इसमें आपको आंसर मिलेगा दूसरा शब्द जो है ये अंधेरा, ये क्या है तत्भव है, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देख लीजिए, शाम का सदैव चित्रण करने के लिए किस रूपक को अनुपयुक्त माना जा सकता है, अनुपयुक्त आपसे पूछ रहा है तो इसका आंसर होना चाहिए आकाश का साफा। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, इसका आंसर होगा खिले पलाश के वन आग के समान दिखते हैं, इसका पहला ही ऑप्शन। अंधकार के सिमट कर बैठने का कारण का क्या है, तो अंधकार सिमट कर बैठा इसका मतलब यही है कि अभी सूर्योदय
नहीं हुआ, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। चौथा देखिए, इसका आंसर क्या होगा, अंधेरा छा जाना, चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 105 देखिएगा, यहाँ पे सिमटा बैठा है, तो इसका आंसर क्या होगा, रेवड़, झुंड, भीड़ और रेला। चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगली शिक्षक भर्ती यूपी टेट और आगे जब भी सी टेट होगा तो उसकी तैयारी चैनल पे आपको मिलेगी लाइव क्लासेज और वीडियोस के माध्यम से। तो ये थी कुछ आंसर की, आपने उम्मीद करते हैं अच्छा स्कोर किया होगा 25 से प्लस, और आपका क्या स्कोर रहा कमेंट करके बताइएगा। बाकी के जो आंसर किए हैं अदर सब्जेक्ट की, संस्कृत और पेपर टू की, गणित और साइंस और SST, सारी आंसर की अपलोड हो चुकी है, यहाँ पे आपको उसके लिंक दिए जा रहे हैं, क्लिक करें और देखें। थैंक यू सो मच आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।